अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गर्मियों में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सन टैन आ चुका है, ठीक है, स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम गर्मियों में इंसान को हो जाती है, ठीक है, चाहे आपके चेहरे पर दाने निकल आए हों, गर्मी की वजह से आपकी स्किन जो है ना झुलस चुकी हो, या दाग धब्बे आ चुके हों, आँखों के नीचे स्याह हल्के बन चुके हैं, या अगर आप अपनी सांवली रंगत से भी अगर परेशान है ना, तो वैसे तो सांवला रंग जो है ना कोई मायने नहीं रखता, गोरे चिट्टे से और काले रंग से कुछ भी नहीं होता, लेकिन बस आजकल हम लोगों की जो है ना सोच इस तरह की हो चुकी है। तो आज की रेमेडी आप लोगों के लिए है, एक सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्रिन की टैबलेट आप लोगों की तमाम स्किन की प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, जड़ से ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। चैनल पर आप लोगों नए हैं तो चैनल को आप लोगों ने भी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, और एक बहुत ही अच्छा सा आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगी, लाइव रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग रिज़ल्ट देख के ना हैरान हो जाओगे। अगर आप लोग पार्लर से महंगी महंगी ब्लीचिंग करवा चुके हो, ठीक है, फेशियल करवा करवा कर थक चुके हो, लेकिन जो है ना वो ग्लो आता है, लेकिन कुछ देर टाइम के लिए आता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, सिर्फ आप लोगों के पास एक डिस्प्रिन की टैबलेट होनी चाहिए, इसके अलावा आपको और कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, और रिज़ल्ट ऐसा आएगा कि आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आपने इस तरह से एक डिस्प्रिन की टैबलेट ले लेनी है, ठीक है, इस तरह से उसको कवर उतारना है। डिस्प्रिन की टैबलेट आप लोगों को पता है कि पानी में बहुत आसानी से घुल जाती है, ठीक है, इस तरह से आपने इसको अपनी हथेली पर रखना है, कोई बर्तन भी गंदा नहीं करना, बस आप लोगों का ये 5 मिनट का काम है और आप लोगों की स्किन ऐसी हो जाएगी कि आप बिल्कुल हैरान परेशान हो जाओगे कि बग़ैर पैसों को खर्च किए, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर टाइम ज़ाया किए आप लोगों की स्किन कैसे इतनी चमकदार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना टैबलेट के छोटे छोटे पीस कर लिए हाथ की मदद से ही। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा पानी, ठीक है, आपने पानी डालना है। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर रोज़ वाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला और फ़ौरन से जो टैबलेट थी ना वो सारी की सारी मेल्ट हो चुकी है, घुल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हाथ पे ही बना रही हूँ, कोई बर्तन गंदा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप भी इसको यहाँ पर इस तरह अपने हाथ पर ही बना सकते हैं। तो आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है, ठीक है, मैं इसको अपने हाथ के ऊपर अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। बस आपने इसको अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लेना है, धोने के बाद साफ़ करके खुश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपने इसको अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करना है, आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई जगह जो है ना खाली ना बचे, अच्छी तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, बस इसको मलना नहीं है, इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बस अच्छी तरह से अपने पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है। आपने इस तरह से अप्लाई करके आप लोगों के पास अगर टिश्यू हो, टिश्यू अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह जिस तरह से मैंने एक पेपर ले लिया, आपने इस तरह से पेपर ले लेना, ठीक है, इस तरह से आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर जो है ना रख देना है पेपर को, पेपर हो या टिश्यू हो, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए, आपने इसको इस तरह से रेस्ट दे देनी है, ठीक है। इस तरह से पेपर को आपने चिपकाना है अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है, पेपर आसानी से चिपक जाएगा, टिश्यू भी चिपक जाएगा। तो आपने 5 से 7 मिनट के लिए ना इसको रेस्ट देनी है, 5 से 7 मिनट के बाद जब आप अपना चेहरा देखोगे तो वाकई में चेहरा आपका देखने के काबिल होगा। इस तरह 5 से 7 मिनट के लिए इसको रेस्ट देनी है, इसको इस तरह से आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं आपको 5 से 7 मिनट के बाद दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट छोड़ा है, ठीक है। तो अभी इस तरह से आपने इसको उतारना है, इस तरह से कागज़ हो या टिश्यू हो, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से ये देखें, आप लोग रिज़ल्ट देखें आप कितना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आया, ठीक है। इस तरह से आपने कागज़ से या टिश्यू की मदद से अपनी स्किन को थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा रब करना है, ठीक है, ताकि जो पाउडर फॉर्म में इसके ऊपर लगा होगा ना वो भी उतर जाएगा, और आप लोग देखेंगे कि ये कितना ज़बरदस्त सा ग्लो आया है, ठीक है, मेरे हाथ के ऊपर अप्लाई किया और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट भी आप लोगों के बिल्कुल सामने है आंखों के, आप लोग देख सकते हैं, मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती, ठीक है। इस तरह हाथ की मदद से इसको तो 2 मिनट के लिए जो है ना आपने रब करना है। अब मैं आप लोगों को अपना हाथ जो है ना धोकर भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन आ सके। तो अभी मैंने अपना हाथ जो है ना धो लिया, धोने के बाद भी आप लोग देख सकते हैं जहाँ तक मैंने इसको अप्लाई किया था उस वहाँ तक मेरा हाथ और बाकी के बाजू की आप लोग जो है ना देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ा है, कितना ज़बरदस्त सा जो है ना ये ग्लो आया है। तो आपने ईद से पहले इसको लाजमी ट्राई करना है, अगर आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा भी ट्राई करेंगे ना, यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलूंगी फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप लोगों ने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।